हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। कई बार लाइफ में एक छोटी सी चीज़ एक बड़ा सा लेसन दे जाती है, और वो लेसन दिलाने के लिए आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली कोई सिचुएशन, इंसिडेंट, पर्सन या एनी अदर लिविंग बीइंग की एंट्री होती है। आज अपनी लाइफ का एक ऐसा ही पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर किसी के लिए इस फीलिंग को समझना उतना ईजी भी नहीं है। शायद इस फीलिंग को वही पर्सन बेटर समझ सकता है जिनके पास कोई पेट है और वो उसे अपने फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। टफी की हमारी लाइफ में एंट्री किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, और हमारे व्लॉग्स देखते देखते हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को भी स्टफी से प्यार हो गया है। कि स्टफी एक स्ट्रीट डॉग है और काफी लोग जानना चाहते हैं कि स्टफी हमारे घर में कैसे आया, तो चलिए आज उसी की स्टोरी में आपके साथ शेयर करूंगी। बात है सितंबर 2018 की, जब अचानक बच्चे जिद करने लगे कि उन्हें एक डॉग चाहिए। लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे जिम्मे थी और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना नहीं चाहती थी। डॉग को घर में रखने के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव बच्चों को समझाते हुए मैंने मना कर दिया, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, थोड़े थोड़े दिन में वो फिर से शुरू हो जाते, ये बोल के कि हम खुद उसकी केयर कर लेंगे, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। शौक शौक में वो कितने दिन करेंगे ये मैं भी जानती थी। वो मनाते रहे और मैं मना करती रही, लेकिन नवंबर 2018 डिसाइड वही हुआ जो बच्चे चाहते थे। मैं भी एक डॉग लवर तो थी ही, लेकिन एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरती थी, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए ये करने को भी तैयार हो गई। अब बात थी कि डॉग कौन सा लिया जाए। उदय को डॉबरमैन चाहिए था और जैस्मिन को बीगल। फाइनली दोनों बच्चे बीगल पे एग्री हुए, लेकिन डिसाइड ये हुआ कि अभी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी जैस्मिन के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और मैं ऐसी कोई नई चीज़ घर में लाना नहीं चाहती थी जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होकर वो अपनी स्टडीज़ में फोकस खो दे। सो एग्ज़ाम्स के बाद ही हम बीगल लेके आएंगे, ये फाइनल हो गया। लेकिन बीगल के बिहेवियर, उसकी लाइफ स्पैन, उसके नीड्स और कहाँ से प्योर ब्रीड ले सकते हैं, बच्चे सब सर्च कर रहे थे। लेकिन जैसा हम सोचते हैं सब कुछ वैसा ही कहाँ होता है, नेचर को कुछ और ही मंजूर था। बात है 12 जनवरी 2019 की। नेक्स्ट डे लोहड़ी थी और मैं और उदय लोहड़ी की शॉपिंग करके घर वापस आ ही रहे थे कि हमारे घर से कोई 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे एक छोटा सा पपी रोड साइड पे चिल्ला रहा था। हम रुके भी और देखा कि आसपास उसकी माँ है या नहीं। जब कोई नहीं दिखा तो उसे उठा के बिल्कुल पास ही एक ढाबा था वहाँ रख दिया। उदय ने एक दो बार मुझे बोला भी कि मम्मा हम इसे ही घर ले चलते हैं, लेकिन मैंने उसे बीगल की याद करवाई और वो चुप हो गया। ढाबे वाले भैया ने बताया कि ये पपी यहीं रहता है, और साथ ही में ये भी बताया कि एक कपल इसे इंजेक्शन लगवा के यहाँ छोड़ गए थे और रोज़ इसे मिलने और खाना खिलाने आते हैं। लो, बात वहीं ख़त्म हो गई और हम लोग घर वापस आ गए। पूरा इंसिडेंट घर आकर हमने सबको बताया। वो पपी इतना प्यारा था कि उदय और मेरा, हम दोनों का मन उसे घर लाने के लिए बन चुका था, लेकिन जैस्मिन को बीगल ही चाहिए था, पर होनी को कौन टाल सकता है। मैं और उदय चुपके से निकले और वापस उस पपी के पास पहुंच गए। ढाबे वाले भैया को अपना एड्रेस दिया ताकि वो उस कपल को बता दें कि हमने इस डॉग को अडॉप्ट कर लिया है और वो इस पपी को मिलने हमारे घर आ सकते हैं। स्टफी को गोद में उठा के हम लोग घर वापस आ गए, बिना ये सोचे कि घर में सबका रिएक्शन कैसा होगा। बीगल बीगल करने वाली जैस्मिन ने स्टफी को देखते ही गोद में उठा लिया और मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई। बच्चों ने विद इन सेकेंड स्टफी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। उस दिन की बात को छोड़कर अगर आज की बात करूं तो एक्सेप्ट करना तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। स्टफी हमारे घर की जान बन चुका है, अब घर का हर मेम्बर उसके नखरे उठाने को तैयार है। कैसे किसी जानवर का बच्चा इंसानी ज़िंदगी के लिए इतना अहम हो जाता है। घर में डॉग ना रखने की बात करने वाली फैमिली अब उसी के साथ सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करती है। नन्ही सी जान के घर में आते ही घर का पूरा इन्वायरमेंट ही बदल गया। कभी वो हमारे पीछे भाग रहा होता और कभी हम उसके पीछे। अपने बच्चे की तरह मैंने उसे पाला है, जिस तरह ये मेरे पीछे पीछे रहता है उससे एहसास यही होता है कि वो मुझे अपनी माँ समझता है। ये बस इमोशंस ही हैं जो हम फील कर सकते हैं, इन्हें बयान करने के लिए वर्ड्स कहाँ से लाऊं। खैर, वो कपल स्टफी को मिलने नेक्स्ट डे हमारे घर आए और देखकर काफ़ी खुश हुए कि उसे इतना अच्छा घर मिल गया है।
उनके पास एक लार्ज ब्रीड डॉग है जिसने स्टफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वो उसे वहाँ छोड़ गए थे। स्टफ़ी को उन्होंने एक स्कूल बस के नीचे आने से बचाया था और 2 वीक तक वो उनके पास ही रहा, लेकिन उनकी भी कुछ अपनी मजबूरी रही होगी इसीलिए वो उसे अपने घर नहीं रख पाए। और उसे मिलने के लिए वो आज भी हमारे घर आते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सारी सोशल साइट्स पे स्टफ़ी की पिक्स डाली थी और इसे अडॉप्ट करने की रिक्वेस्ट करने के साथ साथ प्रे भी करते थे कि इसे कोई घर मिल जाए। तो सोशल साइट्स ने तो शायद काम नहीं किया, लेकिन सच्चे मन से की गई उनकी दुआ काम आ गई। और हमारा उस रास्ते से गुजरना और स्टफ़ी से मिलना इसी बात का प्रूफ है कि डेस्टिनी आपको खुद वहां पहुंचा देती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, बस कोशिश ईमानदारी से होनी चाहिए। तो स्टफ़ी एक इंडियन परिया ब्रीड है। ये डॉग्स बहुत इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने समझा है इन्हें आज़ाद रहना ही पसंद है। बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस में ये रह नहीं सकते, सो इनकी प्रॉपर एक्सरसाइज होनी भी ज़रूरी है ताकि इनकी एनर्जी डिप्लीट होती रहे और ये घर के अंदर तूफान ना मचाएं। ये सर्वाइवर डॉग्स हैं। ये डॉग्स इंडियन क्लाइमेट के साथ एडजस्टेबल हैं, तो इन्हें जल्दी जल्दी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं होती क्योंकि इनकी इम्यूनिटी दूसरे ब्रीड डॉग से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होती है। किसी भी तरह की ब्रीड के अगेंस्ट नहीं हूँ, हम तो खुद बीगल बाय करने वाले थे, लेकिन क्योंकि अब हमने स्टफ़ी को भी एक्सपीरियंस किया है सो ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप डॉग लवर हैं, ब्रीड लवर नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके घर में कौन सा डॉग है। स्टफ़ी को अडॉप्ट करके और बाहर 1 या 2 डॉग्स को खाना खिला के एज सच हम कोई महानता का काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इन बेजुबानों के लिए कहीं कहीं ज़्यादा करते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल हु अडॉप्ट एंड टेक केयर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। इतना आप इनके लिए कर सकें ज़रूर करें, बस ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है एटलीस्ट किसी 1 या 2 जिंदगियों को आसरा देने की। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो घर में एक पेट रखना चाहते हैं लेकिन वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए यही एडवाइस है कि बिना ज़्यादा सोचे एक स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर लें और एक जान को अपनी जान बनने का मौका दें। अब बात करते हैं उसकी टेक केयर और होममेड फूड की। ये डॉग्स घर में बने खाने पे आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, बट शुगर और सॉल्ट तो इनके लिए भी अच्छा नहीं। अनियन गार्लिक जैसी चीज़ें डाइजेस्ट करने का सिस्टम इनकी बॉडी में नहीं है, सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए ब्रेकफास्ट में मैं उसे एग और रोटी विद दही देती हूँ, जिसे देने के 2 तरीके हैं। एक तो कोकोनट ऑयल लिया है मैंने पैन में और 2 अंडे उसमें डाल दिए हैं। 4 रोटियां स्टफ़ी खाता है, आपका डॉग जितनी लेता है वो आप दे सकते हैं। तो 4 रोटियों को मैं इस तरह से अंडों में लपेटती जाऊंगी, हाफ फ्राई करूंगी, इनको पूरा नहीं पकाऊंगी। अब इसी के साथ दही और लस्सी आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं या एज इट इज़ भी उसको दे सकते हैं। अगर लस्सी वो बाद में पीना पसंद करता है तो बाद में दे सकते हैं। जहाँ दही या लस्सी इनके सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है वहीं मिल्क भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बॉयल एग्स को वो बिना रोटी के खाना पसंद करता है, तो 2 बॉयल एग्स में अल्टरनेट डेज पे उसे देती हूँ। कम ऑन, ईट। और उसके बाद वही 4 रोटियां और दही का गिलास जिसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करती हूँ। आजकल बहुत ठंड है तो इसलिए डॉग को बिल्कुल ठंडा दही देने की बजाय थोड़ा सा आप गर्म पानी उसमें ऐड कर दें। लंच में डॉग फूड जो कई बार वो खा लेता है और कई बार भूख ना होने पे छोड़ भी देता है, वैसे उसे डॉग फीड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मल्टीविटामिन डेली और कैल्शियम वीक में 1 बार देती हूँ, जो उनकी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 3 मंथ्स उनकी डिवॉर्मिंग करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वर्म्स की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। उसके बाद स्नैक्स के लिए बिस्किट, टीथ क्लीन करने के लिए डेंटा स्टिक और च्यूबोन्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो डॉग्स को काफ़ी पसंद भी आती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की डिमांड आपका डॉग आपसे नहीं करता है। ये सब चीज़ें अगर आप देना चाहें तो अपनी खुशी के लिए दे सकते हैं, वो तो 2 वक्त के खाने और आपके प्यार से ही खुश हो जाते हैं। बात करूं डिनर की तो नॉनवेज और राइस और बीच में कभी कभी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देती हूँ। नॉर्मली मैं उसको चिकन लीवर और राइस ही देती हूँ और वीक में 2 बार नॉर्मल चिकन जो हम लोग खाते हैं वो ऐड करती हूँ। सॉल्ट अवॉइड करती हूँ, बट टर्मरिक पाउडर डॉग्स के लिए अच्छी होती है तो थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल देती हूँ। सभी डॉग्स को हेयर फॉल काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप डेली ब्रशिंग करते हैं तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगर आपके पास इस तरह का ऑटोमेटिक ब्रश है तो और भी इजी हो जाता है। अगर आपके डॉग को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है ब्रशिंग करने के बाद भी, तो आपको वेट से कंसल्ट करना चाहिए। इस तरह के लिंट रोलर्स आई थिंक सभी पेट ऑनर्स के पास होते ही हैं और होने भी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप इजीली किसी भी क्लॉथ या प्लेस से हेयर रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैं स्टफ़ी की जैकेट से रिमूव कर रही हूँ। ये सब चीज़ें आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाती हैं।
घर को ऑर्डर फ्री रखने के लिए उसकी शीट्स को टाइम टू टाइम वॉश करना भी ज़रूरी है और उसे नहलाना भी, जो कि आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखा भी होगा। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सबको फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे पेट्स को भी लॉन्ग वॉक चाहिए, तो दिन में 2 बार उसको हम लॉन्ग वॉक पे लेके जाते हैं। अब ये सब देख के कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि इतने सारे काम करने का वक्त किसके पास है। बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर वक्त ना हो और मैनेज नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ किसी ब्रीड डॉग को तो क्या, किसी स्ट्रीट डॉग को भी अपने घर में लेके ना आए। अगर इन्हें घर के किसी कॉर्नर में चेन के साथ बांध के रखने का मूड है तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। इससे तो बेटर है कि आप अपने घर के बाहर ही इन्हें फूड प्रोवाइड करें। बट मैंने अपनी लाइफ में जो एक चीज़ एक्सपीरियंस की है वो ये है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पर आती जाती हैं उतनी ही मैं और भी ज़्यादा एक्टिव और स्ट्रांग होती चली जाती हूँ। क्योंकि एक ह्यूमन की काम करने की कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल स्टेट और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए आप कितने डेडिकेटेड हैं उस पे डिपेंड करती है। अगर डॉग्स की तरह ही हम सबके पास भी निस्वार्थ प्यार करने की एबिलिटी होती तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती। बट हर कोई तो डॉग लवर नहीं हो सकता। अगर आप इन्हें कुछ दे नहीं सकते तो प्लीज़ इन्हें हर्ट भी ना करें। खैर, ये तो थी स्टोरी ऑफ स्टफ़ी। अगर आपके पास भी अपने पेट को घर लेके आने के पीछे कोई स्टोरी है देन प्लीज़ शेयर विद मी ऑन इंस्टाग्राम, और अपने पेट्स की पिक्स शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता ही है, और साथ ही आपके कॉमेंट्स का वेट मुझे हमेशा रहता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।